ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पे स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, हम स्वतंत्रता संग्राम के चरण को पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ते समय यदि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च करेंगे, तो देखिएगा मैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए एक एक महत्वपूर्ण नेताओं की चर्चा मैं कर रहा हूं और उनके सारे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने महान स्वतंत्रता सेनानियों में दादा भाई नौरोजी से संबंधित वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर दादा भाई नौरोजी से संबंधित सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा पा सकते हैं। तो आज मैं इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और महत्वपूर्ण नेता, जो भारतीय राजनीति में महान स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़े पत्रकार, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारियों के बहुत बड़े पुरोधा थे, जिनको भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के भारत आगमन से पहले पूरे देश में मान्यता मिली हुई थी, जिनके नाम की तूती चलती थी और सारे लोग उसी नेता का अनुसरण करते थे, वह क्रांतिकारी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लें। इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। आप महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का नाम सुने होंगे, जो हापुस आम के लिए पूरे भारत में विख्यात है, काफी प्रसिद्ध आम है ये, तो पूरे भारत में विख्यात है। इसी रत्नागिरी जिले में इनका जन्म होता है। और यदि इनके मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु होता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ये महान क्रांतिकारी का सूर्यास्त होता है, ये हमारे बीच से चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। यदि हम बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इनका एक उपनाम है लोकमान्य, लोकमान्य। अब आगे देखें, इस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब शुरुआती दौर चल रहा था और शुरुआती दौर में जब कांग्रेस पार्टी पर नरमपंथियों का प्रभाव था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी का जो दौर था वह उदारवादियों का दौर था। इसमें उन लोगों का प्रभुत्व अधिक पाया गया जो लोग अंग्रेजों के साथ अनुनय विनय करके राजनीति करते थे और इस माध्यम से अंग्रेजों से आज़ादी लेना चाहते थे। यही कारण था कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू में कांग्रेस पार्टी को भीख मांगने वाली संस्था करार दिया था। भीख मांगने वाली संस्था, तो ये भीख मांगने वाली संस्था किस पार्टी को इन्होंने कहा? कांग्रेस पार्टी को। और इनका विरोध केवल ऐसे ही नहीं चला, ये तो इन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी भीख मांगने वाली संस्था है, बल्कि इन्होंने यह भी कह दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर कि यदि कांग्रेस पार्टी के लोग इसी तरह साल में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो जीवन में इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो ये चाहते हैं वो इनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन चापलूसों का सम्मेलन है, चापलूसों का सम्मेलन, ये चापलूसों का सम्मेलन इन्होंने किस पार्टी को लेकर कहा था, तो यह स्टेटमेंट भी दिया था इन्होंने किस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है दया याचना और भीख मांगने की राजनीति करती है और इससे देश को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती है। अब आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में अन्य कंसेप्ट को देखें। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा था और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा देने के कारण बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र केसरी भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र केसरी से किस नेता को संबोधित किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। जैसे आप सुनते होंगे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है,
बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र केसरी किनको कहा जाता है, महाराष्ट्र केसरी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक चूंकि कांग्रेस पार्टी पर लगातार स्टेटमेंट देते रहे, यही कारण था कि इनको कांग्रेस पार्टी का कभी भी अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि इनमें से कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिनको कांग्रेस पार्टी का कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उसका भी आंसर क्या बनेगा, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने। तो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने यह व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इनके और कार्यों को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1893 में महाराष्ट्र में शुरू करते हैं गणेश उत्सव की शुरुआत इन्होंने कब की, 1893 में, और 1895 में इन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र में ही शिवाजी उत्सव। तो इन दोनों उत्सव को शुरू करने का श्रेय किस क्रांतिकारी को जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। तो गणेश उत्सव आप सुनते होंगे, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार है गणपति उत्सव। तो गणपति उत्सव की शुरुआत, शिवाजी उत्सव की शुरुआत, दोनों की शुरुआत करने वाला जो महान क्रांतिकारी था वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा और भी फैक्ट जान लिया जाए। बाल गंगाधर तिलक 1884 में एक पत्रिका निकालते हैं और उस पत्रिका का नाम है केसरी। केसरी पत्रिका निकालते हैं और ये जो केसरी पत्रिका निकालते हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये इसलिए आता है क्योंकि केसरी पत्रिका को इन्होंने लिखा था किस भाषा में, मराठी भाषा में। तो ये केसरी पत्रिका इन्होंने निकाला था मराठी भाषा में। 1884 में ही इन्होंने एक और पत्रिका निकाला था जिस पत्रिका को हम कहते हैं मराठी, और मराठी पत्रिका इन्होंने निकाला था किसमें, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में। तो ये इन्होंने अंग्रेजी में निकाला और इसको इन्होंने किसमें निकाला था, मराठी में। तो केसरी जो है इनका पत्रिका है, और केसरी पत्रिका इन्होंने किस लैंग्वेज में निकाला, मराठी भाषा में, और मराठी जो है ये किस में निकाला इन्होंने, अंग्रेजी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा भ्रमित कर देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दिमाग में सीधा जाएगा कि मराठी है तो मराठी में लिखे होंगे, लेकिन मराठी को इन्होंने लिखा अंग्रेजी में और केसरी को लिखा था इन्होंने मराठी में। अब देखिए इस पत्रिका में और इस पत्रिका से अंग्रेजों को क्या नुकसान होता है। 1899 की मैं बात कर रहा हूं, इस साल क्या होता है कि अंग्रेजों का एक अधिकारी, प्लीग अधिकारी जिसका नाम था रैंड, प्लीग अधिकारी थे रैंड, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो 1899 में जो पूना का प्लीग अधिकारी था रैंड, इनकी हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि चापेकर बंधु कौन थे, तो यह दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इनको कहता है चापेकर बंधु। तो इन चापेकर बंधुओं ने 1899 में प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या कर दी। अब ये हत्या इन्होंने स्वयं नहीं की, बल्कि हत्या प्रेरित होकर के, इन्होंने प्रेरणा किससे लिया, तो केसरी जो इनका पत्रिका है जो मराठी भाषा में निकलता था, इस केसरी पत्रिका में इन्होंने कुछ इस प्रकार से बातों को लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ कि इसी से प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी, और यही परिणाम था कि इस हत्याकांड के बाद बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का कारावास होता है, 18 माह के लिए इनको जेल में भेज दिया जाता है। क्योंकि केसरी के बारे में कहता है कि केसरी पत्रिका में इन्होंने भारत की दुर्दशा को लेकर एक शीर्षक लिखा था, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे चापेकर बंधु, और इसीलिए उन्होंने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी, क्योंकि प्लेग अधिकारी रैंड काफ़ी ज़्यादा भारतीयों के साथ अनियमिततापूर्ण व्यवहार किया था, कुछ ऐसा व्यवहार किया था जिससे भारतीय नाराज हो गए थे। तो इस घटना के बाद इनको जो है बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा दी जाती है। फिर आगे देखिए 1908 का दौर आता है,
तो 1908 के दौर में इसी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय युवाओं को भड़काने के लिए इन पर एक आरोप लगाया गया। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भारतीय युवाओं को भड़काते हैं, उकसाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और ये इनकी गतिविधि अंग्रेजों के लिए सही नहीं है। और इसी का आरोप लगाकर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी जाती है, और 6 वर्ष की सजा के उपरांत इनको भेज दिया जाता है मांडले जेल में। इनको कहां भेजता है? मांडले जेल। मांडले जेल कहां है जी? म्यांमार में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मांडले जेल कहां स्थित है? म्यांमार में। तो 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में जाते हैं। तो मांडले जेल में जाकर भी ये सलाखों को गिनने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसी मांडले जेल के अंदर 1915 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक था गीता रहस्य, जिस पुस्तक में इन्होंने गीता के कर्मवाद का रूपांतरण किया है। इन्होंने कर्म की प्रधानता को इसमें उजागर किया है। तो गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने किस भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में लिखा था। ये पुस्तक इनका किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में लिखा गया है। और ये पुस्तक गीता रहस्य इन्होंने कहाँ लिखा था? तो मांडले जेल में लिखा था, जब इनको निर्वासित जीवन के लिए भेजा गया था जीने के लिए वहाँ पर, तो वहीं पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। अब आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लेकर और सारे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1903 ईस्वी में इसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक को हम कहते हैं आर्कटिक होम द वेदास, होम द वेदास। अब यह पुस्तक क्या है जी? आर्कटिक होम द वेदास। तो इस पुस्तक को इन्होंने 1903 में लिखा था। ये पुस्तक भी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि इसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि जो आर्य हमारे देश में आए थे, वो आर्य कहाँ से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्यों का निवास स्थान इन्होंने बताया था कि ये उत्तरी ध्रुव से हमारे देश में आते हैं। तो इसको लेकर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1903 में। कौन सा पुस्तक? आर्कटिक होम द वेदास। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लेकर अगला क्वेश्चन क्या आएगा। एक बहुत बड़ा अंग्रेज जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल एक लेख लिखता है, जो लेख है इंडियन अनरेस्ट, अब इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो इस पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने भारत के महान क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, भारतीय असंतोष का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कहकर बाल गंगाधर तिलक को कौन बुलाता है? वैलेंटाइन सिरोल। ये स्टेटमेंट भी कई बार इनका एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में यदि हम अन्य बातों को बात करें, तो इसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में पूना के बेलगांव में होमरूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है, और इसी के तहत इन्होंने 1916 में 28 अप्रैल 1916 को ये बेलगांव में एक अपना होमरूल लीग स्थापित करते हैं, और होमरूल लीग की स्थापना इन्होंने बेलगांव में किया था, और ये बेलगांव कहाँ का? पूना का। तो पूना के बेलगांव में 28 अप्रैल 1916 को होमरूल लीग की स्थापना करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1916 में होमरूल आंदोलन चलाया गया था, और ये आंदोलन भारत के 2 प्रमुख नेताओं की द्वारा चलाया गया था, जिसमें पहले नेता थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे नेता थे श्रीमती एनी बेसेंट। तो इन 2 नेताओं ने होमरूल लीग की स्थापना की, लेकिन सबसे पहले इस आंदोलन से जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। अब आगे देखिए, उसी तरह से यदि हम बात करें कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था,
और 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी का जो दो पार्ट हुआ था, नरम दल और गरम दल, ये दोनों पार्ट आपस में आकर मिल जाते हैं। यानी नरम दल और गरम दल दोनों आपस में आकर मिलते हैं कहां पर, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जो नारा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और वह नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारा को देने वाले भी व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो फिर हम अगले क्लास में फिर एक महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।